भाई फुल माउथ इम्प्लांट्स की कमिटमेंट की है तो निभानी पड़ेगी, चाहे वो इम्प्लांट डाला हो 2005 में, चाहे 2009 में, चाहे 2013 में। फॉलो अप इम्प्लांटोलॉजी में मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। इम्प्लांट्स, सॉफ्ट टिश्यू और बायोटाइप, और किस तरह से वो इम्प्लांट प्लेसमेंट हुआ, अब दिखाना चाहूँगा केस। ये इम्प्लांट मैंने प्लेस किया था दिसंबर 2009 में, आप देख सकते हैं ऑल ऑन 6 इम्प्लांट्स अपर में, और ये सारे के सारे जो दांत है वो सॉलिड अच्छे हैं, और यहाँ पर जो इम्प्लांट्स थे वो बिल्कुल ठीक है। तो मेंटेनेंस में बहुत ध्यान रखता है आपने किस लेवल पे इम्प्लांट प्लेस किया, और पीछे तक इम्प्लांट प्लेस हुए हैं। एक इम्प्लांट्स, एक और फुल माउथ इम्प्लांट का केस जहाँ पे हमने अपर में 6 इम्प्लांट प्लेस किए थे, और लोअर में भी देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैंटिलीवर दिया था, बट बिकॉज प्रोसेस डिजाइन सॉलिड था, ये अभी तक सॉलिड चल रहे हैं। पीछे तक इम्प्लांट्स और यहाँ पे हमें कैंटिलीवर दिया था, तो वो डिपेंड करता है कि इम्प्लांट्स किस लेवल पे डले हैं, चाहे वो कैंटिलीवर दिया है किस लेवल पे दिया है, और क्या ऑक्लूजल डिज़ाइन है। फुल माउथ इम्प्लांट्स में वो सब मैटर करता है।